तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल को देखो। इसमें बेसिकली क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी पी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर, परसेंटेज एरर इन पी, मतलब चार वेरिएबल हैं। तो अगर मैक्सिमम एरर मैं इसमें लिखता हूँ तो डेल्टा पी अपॉन पी मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका मतलब ये हुआ 3 टाइम्स डेल्टा ए अपॉन ए, ठीक है ना, प्लस 1/2 डेल्टा बी अपॉन बी, प्लस यहाँ से देखो 4 टाइम्स डेल्टा सी अपॉन सी, प्लस यहाँ से 3/2 डेल्टा डी अपॉन डी। अब देखो इसमें अगर सी में कोई गलती होता है तो उसका एरर 4 गुना मल्टीप्लाई होगा यार, 4 टाइम्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो केयरफुल सावधानी से जो मेजरमेंट है वो सी वेरिएबल को, सी जो है नंबर ऑफ एरर, जो है एरर की जो प्रोबेबिलिटी है, चांस, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। तो क्वांटिटी विच है मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन पी इज, मतलब जो है वो सी, वो बहुत सावधानी से मेजरमेंट करने की ज़रूरत है। तो सी ऑप्शन सही है इसका, क्वांटिटी सी में सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। थैंक यू।